बिगाड़ने के लिए, इस इलेक्टोरल अलायंस को बिगाड़ने के लिए उन्होंने एक क्रिएट किया। ये अलायंस में है या नहीं है, ये क्या है जी? अलायंस पे हमारी अभी बात कोई नहीं हुई है। जो पीएजीडी है, जो मैन इनका डिक्लेरेशन है, आई वॉज पार्ट ऑफ द डिलीब्रेशन, उसमें जो डिस्कस हो रहा था सीट्स का। असल में ये बात है कि अभी जो हमारी पार्टी का जो मौकिफ है वो ये है कि अभी पीएजीडी के मसले पे उसको उसका इसमें आने के लिए अभी कोई डिस्कशन हमारी पार्टी में नहीं हुआ है। वी आर टोटली फ्रैंक एनफ टू वट एवर इज द फैक्ट विल एडमिट इट। तो अभी कोई भी आप ये नहीं कहेंगे कि किसी पार्टी में हम किसी इस डिस्कशन डिलीब्रेशंस में हम इनके साथ गए हैं, ये तो हकीकत एक है। दूसरी बात जो है, अगर जाना होगा या नहीं जाना होगा वो हमारी एक पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप है, उनके हेड है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो उसको हेड करें। उसमें आज़ाद साहब और चिदम्बरम साहब और भी साथी हमारे हैं उसमें। वो जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, जम्मू के कश्मीर के, तो उनको उनके साथ बात करके वो कोई ना कोई फैसला उस पर लेंगे। हमको पीएचडी में जाना है नहीं जाना है, लेकिन लेकिन इसकी एक साजिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बीजेपी की मैं समझता हूँ, क्योंकि वो भी रन कर रहे हुए, तो वो चाहते हैं कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा कन्फ्यूजन डालें कि ये जो आपस में इलेक्टोरल अलायंस कर रहे हैं ये नहीं करने चाहिए। लेकिन हम उनको दिखा देंगे, हम उनको बता रहे हैं कि हम इस मामले में हम करते हैं इलेक्टोरल एडजस्टमेंट है। नहीं देखिए, जब आप 6-7 पार्टियों का एक अमलगम बन रहा है सीट शेयरिंग का, तो इट इज़ लाजमी है कि किसी को एक सीट ज़्यादा मिलेगी, किसी को एक कम मिलेगी, या किसी को प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होगा, किसी को नहीं होगा, सीधी बात है। या वो प्रेफरेंस जो उसको होगा वो मिलेगी, या क्योंकि कटे बैठे सीट है जिसमें, वहाँ तो आपने कुछ ना कुछ वो दरिया दिली दिखानी है, वो दिखाया सब पार्टी ने, कोई इस पर कोई ये नहीं है, मतभेद नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोग जो चाहेंगे, हमारे जो डाउन वर्कर्स हैं वो कोशिश करें कि नहीं जी हमको ये नहीं मिला, हमको ए मिलना चाहिए, बी क्यों नहीं मिला, ए मिलना चाहिए तो बी क्यों मिला, बी बताएगा सी मिलेगा, तो ये चीज़ें रहेंगी ऑन रोड। लेकिन वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल दैट, कहीं नहीं देखा। और आपको मैं ये बताऊं, डॉक्टर साहब ने एक मीटिंग में बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, उसने कहा अगर किसी को कम होता है मेरी पार्टी से ले लें, ये कहा उसने। और महबूबा जी ने भी उस पार्टी में कहा, उसी मीटिंग में कहा, कहा कि अगर कहीं किसी को होगा तो मेरे साथ बात करें, मैं आई विल कंसिडर दैट। इसी तरह से इसमें सजाद लोन साहब ने कहा, इसी तरह से वो जावेद मीर साहब कहते हैं, इसी तरह से आवामी नेशनल पार्टी ने कहा, इसी तरह से कांग्रेस ने भी कहा। अलबत्ता ये ज़रूर होगा जो आपने क्वेश्चन किया, लेकिन इट विल नॉट बिकम ऑफ द कंट्रोवर्सी, कितनी भी कोशिश हो कर। जो गृह मंत्री इस कंट्री का इतना इतना बड़ा गैर जिम्मेवाराना बयान दे के उंगली उठा रहा है इस पर, जरा ये बताए ना कहाँ है ये क्वेश्चन, तो उसी को जाना चाहिए। ऑनेस्ट इज ऑन स्पॉट टू शो दैट, कहाँ यही पाक जो मैंने अभी बताया आपको, मर रहे हैं हम, आंसलाट मिलिटेंसी का हम यहाँ फेस कर रहे हैं, हमारे घर उजड़ गए, हमको घर घर छोड़ के माइग्रेंट होना पड़ा। तो आज हमें ये जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो ऐसी बात करेंगे, जरा वो बताए ना कहाँ से आ रहा है, अगर आ रहा है तो पकड़ लो उसको, जहाँ से आ रहा है पकड़ता क्यों नहीं है, वो बात क्यों नहीं कर रहा है, वो बात क्यों नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन उसको पूछेगा कौन, हम तो पूछेगी जम्मू कश्मीर की उसको कि आपने कितना बर्बाद कर दिया इसको, कितना जलील कर दिया जम्मू कश्मीर को, खाक में बिठाया, ना टूरिज्म है या ना एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ है ना अमनामान है, हर एक नुक्कड़ पर इतनी फौज बैठी है, तो हम बाहर नहीं निकल सकते। हालात तो ये हैं इस वक्त, ये इन्होंने बनाया 370 को हटाने के बाद 5 अगस्त के बाद, अनसिविलाइज्ड कमेंट इन माई व्यू। हम तो किसी को गैंग नहीं कहेंगे, अगर वो कहते
हमारे थ्री रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर को इस तरह से बात करते हैं, शोभा नहीं देता उनको। वो देखना चाहिए उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी ये 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 लेवल ऑफ थिंकिंग कितनी लो है कि वो किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते।